हेलो दोस्तों, कैसे हो आए? बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आपने काले चने के छोले, काले चने के कोफ्ते, बहुत प्रकार की सब्जियां खाई होंगी काले चने की। मगर आपको मैं अलग तरीके की आज डिश बना के लाई हूँ। ये काले चने का साग, यानी कि मैंने इसे भिगा के बहुत अलग तरीके से बना रखा है ये साग। और आप इसे किसी के साथ भी, रोटी के साथ हो या चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइएगा। और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये साग बना हुआ है, देखिएगा। और हेल्दी रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं ये काले चने का साग। और हमारी पहाड़ी भाषा में इसे फाणो भी बोलते हैं, काले चने का फाणो। जैसे आप गैत का फाणो, कई चीज़ का फाणो बन जाता है, साग बन जाता है जो पीस करके बनाया है। तो आइए बनाते हैं ये फाणो। चने का साग बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने लिए ये कुटर चना, और जिसे मैं इसे भिगा दूंगी थोड़ा सा गुनगुने पानी से। तो देखिए ये चना मैंने इसमें डाल दिया, और इसमें अब गुनगुना पानी डालूंगी और इसे कम से कम 5 घंटे भिगा के रखूंगी ताकि अच्छे से भीग जाए 5 घंटे तक। 5 से ज्यादा ही घंटे हो गए दोस्तों, देखिएगा। और ये चने हमारे भीग के इतने बड़े फूले फूले हो गए अच्छे से। और आइए अब इसको हम पीसेंगे मिक्सी में या सिलबट्टे में, किसी में पीस लीजिएगा। तो ये मैंने इसका पानी निकाल लिया है, और ये ले ली मैंने मिक्सी, और ये चने डालूंगा मिक्सी में। इसमें डालूंगा मैं 2 कली लहसुन, आधा प्याज काट के, आधा चम्मच जीरा, 1 ही लाल मिर्च। और अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने पीस लिया है, और बहुत अच्छे से ही पीस गया है। ये देखिए ज्यादा बारीक, बिल्कुल महीन भी नहीं करा है, ठीक ठाक पीस रखा है अच्छे से। आइए अब इसका साग बनाते हैं। अब दोस्तों ये रख दी मैंने कढ़ाई, गैस कर देंगे ऑन। और इसमें डालूंगी मैं ये मस्टर्ड ऑयल। और देखिए तेल गरम हो गया है, और इसमें मैं तड़के में डालूंगी देखिए थोड़ा सा जीरा, चिली फ्लेक, थोड़ा सा प्याज, और ये है अजवाइन, और ये है साबुत धनिया। तो ये सारा मिला के मैं इसमें डाल दूंगी। और ये डालूंगी दालचीनी का टुकड़ा। और देखिए प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया मसाला तड़का। और ये डालेंगे हम इसमें ये पेस्ट काला चने दाल का। और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। खूब अच्छे से भूनेंगे इसके, ताकि इसमें जो भी महक है, कच्चापन है, तो ये हट जाएगा भूनने से, और बहुत ही अच्छा स्वाद इस साग में आएगा। तो देखिए दोस्तों ये चने के साग भी, यानी कि काले चने का ही देखिए साग अच्छे से भुन गया है, ये पेस्ट अच्छे से देखिए ब्राउन टाइप का हो गया है। और अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे पहले। तो ये साग भुन चुका है, इसमें मसाले मैं डालूंगी। देखिए सबसे पहले मैंने लिया ये लाल मिर्च, और ये है मिक्स मसाला, जिसमें इसमें ये धनिया पाउडर भी है, जीरा पाउडर भी है, काली मिर्च पाउडर भी है, और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी। ये घर पे बना हुआ होममेड मसाला है। और ये हल्दी पाउडर, ये धनिया। तो ये सारा मैं इसी में मिक्स कर दूंगी ऐसे करके, और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। देखिएगा मिल गया। और अच्छे से साथ साथ इसमें ये हम अब पानी ऐड कर देंगे। ये मैंने मिक्सी का जार धो के ही ये पानी डाला है इसमें, देखिएगा। और जितना आपको करी बनानी है, ग्रेवी बनानी है, आप उतना पानी डाल लीजिएगा हिसाब से। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसे वैसे भी भुना हुआ है, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे से भून रखा है ये साग हमारा। तो अब मैं इसे 5 से 6 मिनट तक पकने दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे।
देखिए पक रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये साग पक के हमारा रेडी हो गया, ये काले चने का साग जो बहुत ही और स्वादार बना हुआ है, लाजवाब। अब आप इसमें हरा धनिया डाल करके रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिएगा बहुत ही सुंदर सा कलर भी इसका आ रखा है और बहुत ही प्यारा साग बना हुआ है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर बनाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, लाइक सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। और भी अच्छी रेसिपी लाऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।